हमीरपुर के दड़ूही में कमेटी द्वारा महादंगल का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें, ये महादंगल पिछले 5 सालों से कमेटी द्वारा आयोजित किया जाता है। इस महादंगल में हिमाचल और पंजाब से पहलवान आए थे, जिन्होंने दंगल में खूब जोश दिखाया। इस महादंगल में छोटी माली विजेता को 3100, उपविजेता को 2500 और वहीं बड़ी माली के विजेता को 9100, उपविजेता को 7100 इनाम दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका। एस टुडे की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दड़ूही में, जहां पे महादंगल चल रहा है। तो आइए हम जानते हैं कमेटी के प्रधान उत्तम चंद जी से कि इस दंगल की क्या खासियत है और कितने सालों से ये चल रहा है। हेलो सर, इस दंगल की क्या खासियत है? ये दंगल हमारा जो है 2015 से शुरू किया हमने। ये समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे नशा और नशे के ऊपर ज़्यादा ये है, उसको हमने नशा मुक्त करने के लिए हमने बच्चों को इससे पहले कुश्तियाँ शुरू की। आप तो बाहर से भी पहलवान आते हैं और समाज को इकट्ठा करने के लिए। कितने साल हो गए इसको स्टार्ट किए? 5वां साल चला है। तो जो पहलवान जीतेंगे उनके लिए क्या प्राइज रखा है आपने? उनके लिए 11,000 और 15,000 रुपया। जो जीतेगा उसको 15,000 और जो उसका दूसरा नंबर बनेगा उसको 11,000। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि छिंछिन का लुत्फ लें और जो भी नौजवान हैं वो नशा ना करें और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लें दंगल। सालाना ये जरा 5वां छिंछिन मेला हो रहा जी। ठीक है। ले लिया पकड़ी ने वो आगु पीछे था। दो मिनट मुंग ने ले आगरा जाके ने ठीक चलो ठीक है ठीक है। चलिए वीडियो बना दे। टोपी लेकर गया।
नक्शो नगार करके रंग रंग दे बाग जो लावदाई सभा पिछड़िया सब लवेट लेंदा अगो होर दिया होर विशामदाई शाह मोहम्मद तो सदा डरिए बादशाह तो जो भीख मंगावदाई बादशाह सलाना ये जेड़ा पंजवां छिंज मेला हो रहा जी चलो जी बोलो बोलो लखदाता पीर की हनुमान की चलो जी डोली जी
ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੀਰ ਕੀ ਪੀਰ ਹਨੁਮਾਨ ਕੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਢੋਲੀ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਸਿੱਧਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਛਿੰਝ ਹੁੰਦੀ ਆਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭੁਲਾਣੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਆਹਦੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਭੁਲਾਣੇ ਆਈ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਕਨਾਹੇ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਹਮੀਰਪੁਰ ਚਾਹੇ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਮੈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾ ਹਮੀਰਪੁਰ 'ਚ ਬਣਾਈਏ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਭੁਲਾਣ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਾ ਪੰਗਾ ਕਨਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਆਈ ਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਿਕਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ ਸਵੱਸਥ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਪਨਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਜਵਾਨ ਜੋ ਹੋਣ ਸਰ ਸਵੱਸਥ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਹੈ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਔਰ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਆਸਾ ਠਾਕੁਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ
ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਲੀ ਜੀ। Thank you.
बड़ी खुशी है भी मुझे इस छिंजा जाने का मौका मिलता चने मैं बड़ा खुश है कि भी आंधे इलाके च छिंज होंगी आंधे अपने ज़्यादा खुशी तो उन पर आंधे अपने बुलाने थी आई ने खोलना आंधे हिमाचली बुलाने आई ने खोलना मेरे कुछ दोस्त कहना है कुछ कोशिश करा दे पे हमें अमीरपुर चाहे जल्दी एक मैटा वाला अखाड़ा जैसा अमीरपुर च बढ़ाइए पंजा छः महीने के अंदर अंदर ताकि अगले दो तीन साल जो आंधे भुलाण खोलने थी आए ने इन्हें पंजाबी गबरुआ जो टक्कर दे आए नशे से दूर रह क्योंकि नशा जैसे आंधे बच्चों जो थोड़ा बर्बाद करा रहा अजकल नशा पंगा करने इसका तो है ही है हम चिट्टा भी आई है बड़ा कुछ बिका रहा था थोड़ा वहाँ भी ध्यान रखा क्योंकि आंधी जो नौजवान पीढ़ी है मजबूत रहेंगी स्वस्थ रहेंगी तो एक मजबूत बात बनता तो यही सपना मेरा कहना यही सारे का होना चाहिए भी आंधा मजबूत भारत हो आंधे जवान जो होन सर स्वस्थ हो मेरी इच्छा है भी तुम भी इस अखाड़े बनाने चाहती जरूर हेल्प करनी चाहे है मॉरल सपोर्ट ही होना चाहती बाकी ता तुम सारे का धन्यवाद। नमस्कार सर, सर आप यहाँ पे आए हैं तो आप ये जो महादंगल चला हुआ है इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इस दंगल में हर वर्ष मैं आता हूँ और ये मेरे इलाके का मेरी पंचायत का अपना दंगल है और मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे दंगलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ ताकि लोगों को एक मैसेज दे सकूँ एज ए डॉक्टर ताकि लोग हमारी जो नई पीढ़ी है वो नशे से दूर रहे ताकि नई पीढ़ी अगर स्वस्थ रहेगी तो एक मजबूत भारत बनेगा और साथ में ही हमारे कुछ और मेरे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही हम हमीरपुर में भी एक मैट वाला जो अखाड़ा है 5-7 महीने के अंदर जो हमीरपुर में हमें कहीं हम तैयार करें और जल्द ही हमारी जो नौजवान पीढ़ी हमारे जो लोकल पहलवान हैं वो भी इन दंगलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हमारा जो आने वाला हमीरपुर का जो फ्यूचर हो वो एक स्वस्थ और मजबूत फ्यूचर हो तो इन दंगलों में मैं हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ जो भी मेरे आसपास के जो मेरे अपने जो मेरे को दिल से जिनकी मेरे को इच्छा है कि मेरे यहाँ के लोग आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात है सर, औरों को भी ऐसे आगे बढ़ना चाहिए और आगे आना चाहिए उनको। बिल्कुल सर, कितने साल हो गए इस दंगल को स्टार्ट हुए? इस दंगल को स्टार्ट हुए मेरे ख्याल से 4 साल हो गए हैं और ये लगातार अप्रैल के महीने में ये करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त दंगल ये रहता है तो ये बहुत अच्छा दंगल है और हमेशा इसमें लोगों की जो संख्या हर साल बढ़ती जाती है। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि जो हमारी अपनी जो जो रीति रिवाज है हमारे ये जो छिंज जो चलती है हमारे हिमाचल प्रदेश में ये बरसों से चलती आ रही है हमारे बुजुर्गों की उनसे भी पहले से चलती आ रही है हम इस संस्कृति को अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए और पहले जो छिंजें होती थी उनमें हमारे अपने हिमाचली पहलवान हिस्सा लेते थे तो आजकल देखने में आता है कि पंजाब और हरियाणा से ज़्यादा पहलवान इधर आते हैं तो हमारी कोशिश है और मेरे को लगता है कि हम सब मिलके जो है वो जल्द ही अपने आने वाले समय में हिमाचली ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ
ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਗਵਾਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜਾ ਡਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪੀੜੀ ਡਾ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਦੰਗਲਾਂ ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਘਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਟੋਆ ਪਟਾ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾੜੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੇ ਰੇਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੋ ਜੀ ਬਵਾਜੀ ਕਰੋ ਗੁੱਸੇ ਕਰੋ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇਖੋ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਲਮਗੀਰ ਤੇ ਜੋਨੀ ਤਾਰੂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਜੋਨੀ ਤਾਰੂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਲਮਗੀਰ ਚਲੋ ਜੀ ਦੋ ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੋਲਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾਡੇ ਅਕਬਰ ਢੋਲੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆ ਆ ਕਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਟਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੌਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਟਾਰੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੀਰ ਕੀ ਵੀਰ ਹਨੂਮਾਨ ਕੀ ਜੈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਲਿੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਕੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਭੀ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਦਹਿਨੇ ਬਾਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਹਿਣ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੰਗਲ ਕੋ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈਂ ਮੈਂ ਉਨ ਸਭ ਕਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਇਹ ਦੰਗਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾਏ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਹਮ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸਸੇ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਸੌਸਠ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਸ ਢੰਗ ਸੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆਗੇ ਬੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਜ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੰਗਲ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੌਹਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਸਭ ਤਭੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਗਰ ਹਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਓ ਕੋ ਨਸ਼ੇ ਸੇ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਆਜ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਨਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸਕੇ ਜੋ
आचरण है उसको खराब करने के लिए कई लोग जो है वो लगे हुए हैं और जगह जगह कई किस्म के नशे जो है वो बेच रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को संभालना है, खास करके कि हमारे बच्चे जो है वो किसी नशे का शिकार ना हो, किसी बैड कंपनी का उनके ऊपर कोई असर ना हो, उनको कोई जो है वो अपने जंगल में ना फंसा सके। तो ये जो दंगल है ये प्रदर्शित कर रहा है कि नौजवान जो है ये नशे से दूर हैं, तभी इन्होंने अपने शरीर को जो है वो कामयाब किया है और अपना जो जौहर है वो मैदान में दिखा रहे हैं। तो ये जो नशा है ये हमारे शरीर को खोखला करता है, हमारे दिमाग को खोखला करता है, हमारे घर परिवार में जो है वो अशांति का जो है वो प्रवेश करता है। तो हमने आज इस नशे से दूर रहने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करना है। तो सभी भाई बहनों से मेरा यही आग्रह है कि वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, वो जहाँ भी पढ़ते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, क्या वो अपने आचरण पर ठीक चल रहे हैं या नहीं, इस बात का पूरा ध्यान रखें ताकि हमारी नई पीढ़ी जो है वो नशे की शिकार ना हो और इस तरह से ही अपना शरीर जो है उसको मजबूत करें, बीमारी रहित करें। जो शरीर नशे के बिना होता है, पलता है, उसमें बीमारी कभी एंटर नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है तभी हमारी जनरेशन जो है वो हमारे देश का अच्छा निर्माण कर सकती है, अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है और अच्छा वातावरण जो है वो हमारे चारों तरफ जो है वो तैयार हो सकता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ दंगल कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमें इतनी इज्जत मान प्रदान किया, हमें इस स्टेज पर आकर के आप लोगों के सामने चार शब्द कहने के लिए हमें ये मौका दिया। तो मेरा भाई बहनों से सभी से यही आग्रह है कि सब काम छोड़ करके पहले जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे हमारा फ्यूचर है, बच्चे ही हमारा धन है, बच्चे ही हमारी इज्जत है, बच्चे ही हमारी ईमान है। अगर हमारी जो बच्चे हैं वो अगर बिगड़ गए तो समझो कि हमारा फ्यूचर जो है, हमारा भविष्य जो है वो अंधकारमय है। इसलिए ज़्यादा ध्यान जो है वो हमने बच्चों की सुरक्षा की ओर देना है और इस बात का खास ख्याल रखना है कि कहीं हमारा बच्चा किसी नशे की चपेट में ना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। दूजे पास जानी उटारी बोलो बोलो लगता था पीर की पीर हनुमान की। फाइनल मुकाबले की लिस्ट साडे कोल पहुंच चुकी है। अजय पहलवान तलहर अमित कंगड़ा, ये दोनों पहलवान रेडी हो गए। अजय पहलवान और अमित कंगड़ा, ये दोनों पहलवान रेडी हो गए फाइनल मुकाबले वाले। चलो जी ढोली जी।
ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵ ਸੰਪੰਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। छिंज कमेटी का और दूरी गांव के सभी लोगों का और साथ में आए हुए पड़ोस के गांव का कि इस कुश्तियों को सफल बनाने के लिए सब लोगों ने यहां आके अपना मान और हमारा मान और सम्मान बढ़ाया। इसलिए धन्यवाद हर इंसान का जो यहां पे कुश्ती देखने के लिए आया हुआ था। और हम आशा करते हैं कि अगले साल भी हम इसी कुश्ती के साथ इस दंगल में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।